Hey guys, welcome back to the channel. कल मैं बीबी की वाइंस का एक वीडियो देख रहा था कैजुअली, और उस वीडियो में मैंने आशीष चंचलानी का एक कमेंट देखा। मैंने सोचा वाह यार, कम्युनिटी वर्ड में यूनिटी तो यही लोग डाल रहे हैं, एक दूसरे के वीडियोस पे इतने पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। पर फिर मैंने देखा ओरिजिनल अकाउंट का नाम है आशीष चंचलानी वाइंस, और ये खाली आशीष चंचलानी था, तो मुझे लगा फेक अकाउंट होगा। लेकिन उसके कमेंट पे 976 लाइक्स थे, और हज़ार लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि नकली को असली समझ लें। और एक्चुअली वो हज़ार लोग बेवकूफ नहीं है, जिस बंदे ने फेक अकाउंट बनाया वो ओवर स्मार्ट है। तो मैंने उसका अकाउंट क्लिक करके देखा, और वहाँ अपलोड्स का एक सेक्शन था जहाँ आशीष चंचलानी के सारे वीडियोस थे और उन पर मिलियंस व्यूज थे। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बंदा सारे वीडियोस डाउनलोड करके री अपलोड करे, क्योंकि एग्जैक्टली उतने व्यूज थोड़ी आएंगे। पर इस अकाउंट में पॉपुलर अपलोड्स वाला सेक्शन भी था, और वीडियोस में आशीष चंचलानी के सारे वीडियोस पड़े थे, और एग्जैक्टली उतने ही व्यूज थे सब पे जितने ओरिजिनल वीडियोस में। तो मुझे फिर लगा हो सकता है ये रियल अकाउंट हो और यूट्यूब ने कुछ गलती की हो ऐसे। बट इस अकाउंट में सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ रहा था, और मैंने ऑलरेडी आशीष चंचलानी को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मतलब पक्का ये फेक अकाउंट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फेक अकाउंट में आशीष चंचलानी के सारे वीडियोस पड़े हैं और उन पर उतने ही व्यूज़ हैं? कोई और किसी और का कंटेंट अपने चैनल में ऐसे कैसे दिखा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और एक्चुअली पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि उसने ऐसा कैसे किया, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्यों किया। अब मैं इस फेक अकाउंट पे आशीष चंचलानी का लोगो लगाऊंगा, गूगल पे सर्च करने से आराम से मिल जाएगा। और ये लग गया लोगो। अभी मैं चैनल सेटिंग्स में जाके सब चीज़ों को नॉन प्राइवेट कर दूंगा, लाइक वीडियो, सब्सक्रिप्शन, सेव प्लेलिस्ट। अब कोई भी चैनल आर्ट लगा दो, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ना। हम जाएंगे आशीष चंचलानी के ओरिजिनल चैनल में। और वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे, और इस वीडियो को एक प्लेलिस्ट में सेव करेंगे। अपलोड्स नाम डालूंगा मैं इसका, बिकॉज व्हाई नॉट, स्मॉल लेटर में। और अब मैं पहले 5 वीडियोस को अपलोड वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ऑल्सो मैंने चैनल का नाम चेंज नहीं किया है, वो तो सबको पता है कैसे करते हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। चैनल पे वापस आएंगे, और प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट आ चुकी है अपलोड्स वाली। हम कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे यहाँ से। इधर फॉर न्यू विजिटर्स वाला सेक्शन हम एडिट कर सकते हैं, वही करना है। इसमें ऐड सेक्शन का ऑप्शन है नीचे, इसमें जाएंगे, कंटेंट सेलेक्ट करना है, प्लेलिस्ट क्रिएटेड सिंगल कोई भी, और प्लेलिस्ट चूज करेंगे, अपलोड्स वाली करनी है। और अब चैनल पे वापस जाएंगे। और ये लो, सारे अपलोड्स आ गए उतनी व्यूज के साथ, क्योंकि प्लेलिस्ट में डाल के किसी का भी कंटेंट कोई भी किसी के भी चैनल पे दिखा सकता है। इससे वैसे नुकसान भी नहीं है, क्योंकि व्यूज़ तो ओरिजिनल क्रिएटर को ही जाते हैं, तो ये लोग एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं वीडियोस को। और सब्सक्राइबर काउंट है, इसको भी हाइड कर देते हैं फेक अकाउंट्स वाले। ये तो हो गया फ्रंट पेज। अब वीडियोज़ वाले सेक्शन में वीडियोज़ कैसे डाले उसने, ये मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। उस बंदे ने चैनल खोला होगा, वीडियोज़ पे गया होगा, और नीचे फ्रंट पेज पे दिखने वाले सभी वीडियोस को नीचे से लेके ऊपर के तक लाइक कर दिया होगा एक ऑर्डर में। और अगर तुम्हारे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोडेड नहीं है, तो लाइक वीडियोस को यूट्यूब वीडियोस वाले सेक्शन में दिखाता है। और इसी से ये फेक अकाउंट्स इतने ओरिजिनल लगते हैं, और लोग बिलीव कर लेते हैं कि ये असली अकाउंट है।
अब आता है क्वेश्चन कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। इससे उनका तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि किसी और के वीडियो में अपना वीडियो का लिंक भी डालेंगे तो वो क्लिकेबल नहीं होगा। YouTube कमेंट्स में सिर्फ क्रिएटर का खुद का लिंक क्लिकेबल होता है, पर लोग इनके कमेंट पे क्लिक करके देखते हैं कि अकाउंट रियल है कि नहीं, और क्योंकि इनने अपलोड सारी प्लेलिस्ट लगाई हुई है सारे अकाउंट रियल ही लगते हैं, और फिर वो अकाउंट सब्सक्राइब होता नहीं है तो लोगों को लगता है YouTube ने गलती से अनसब्सक्राइब कर दिया, तो वो लोग उस अकाउंट को सब्सक्राइब कर देते हैं। अभी जो आशीष शिशलनी का फेक अकाउंट मैंने दिखाया उसमें कम्युनिटी टैब इनेबल्ड था, मतलब उस अकाउंट के कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स थे। अब ये लोग इसी तरह अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, 40-50 हज़ार पे पहुंचेंगे, उसके बाद एकदम से नाम चेंज कर देंगे, लोगो चेंज कर देंगे और प्लेलिस्ट हाइड कर देंगे। और लो, उनके यूट्यूब चैनल पे बिना किसी वीडियो के 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए, और अब जब वो पहला वीडियो डालेंगे तो वो 50,000 लोगों को रेकमेंडेड किया जाएगा, और हो सकता है वो पहले ही वीडियो में अपने चैनल को मोनेटाइज कर लें। इससे यूट्यूब की एल्गोरिज्म ब्रेक होगी और यूट्यूब उन सभी का कंटेंट हर जगह सजेस्ट करने लगेगा और इनका चैनल बड़े आराम से ग्रो हो जाएगा। तो जिसने भी ये तरीका निकाला है, दिमाग तो भाई बहुत लगाया है, लेकिन क्या फ़ायदा, आने तो डिसलाइक्स ही हैं। हम लोगों ने देखा होगा कई चैनल्स पे बेकार सा कंटेंट होता है लेकिन व्यूज़ बहुत सारे होते हैं, तो यही है वो काला जादू। ऐसे ही थोड़ी चमत्कारी टोटके ने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल अकाउंट्स होते हैं उन पर वेरीफिकेशन बैच ज़रूर होता है, बिना वेरीफिकेशन बैच वाले अकाउंट सारे फेक हैं, इवन इफ वो असली लगें, तो इन्हें फालतू में सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट एनीवेज, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, इस पर कॉमेंट करो, इसको शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जो करना करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।